जगदम्बाई नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री देवी भागवत महापुराण में से कौरव और पांडवों के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम ऐं दिं क्लिं चामुण्डाय विच्छे। ओम ऐं दिं क्लिं चामुण्डाय विच्छे। ओम ऐं दिं क्लिं चामुण्डाय विच्छे। भक्तगणों, ऋषि गणों के पूछने पर श्री सूत जी ने बताया कि माता व्यास धर्मज्ञ मामा सत्यवती सती। माता व्यास धर्मज्ञ नामना सत्यवती सती। कथम संतं प्राप्त्या भार्या गंधवती शुभा। माता व्यासस्य धर्मज्ञो नाम्ना सत्यवती सती। कथम संतं न प्राप्ता भार्या गंधवती शुभा। ऋषि गणों ने सूत जी से पूछा, व्यास जी की माता सत्यवती को राजा शांतनु ने कैसे प्राप्त किया, यह बताने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, महाराजा शांतनु प्रायः शिकार खेलने के लिए वनों में जाते रहते थे। एक बार वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। पुत्र भीष्म को भी अपने साथ में ले गए। एक बार की बात है कि मृग का शिकार करने हेतु वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें ऐसा मालूम हुआ कुछ गंध सी आ रही है। वह बड़ी सुंदर गंध थी, यानी कि सुगंधी थी, और उस गंध को कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जहाँ से वो गंध आ रही थी उसी तरफ बढ़ने लगे। और बढ़ते बढ़ते वे आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने पर यमुना तट पर उन्हें एक सुंदरी स्त्री दिखाई दी। वह सुगंध इसी स्त्री के शरीर से आ रही थी, जिसको पाराशर मुनि ने वरदान दिया था, जिसका नाम मत्स्यगंधा से योजनगंधा हो गया था। उसके शरीर से कस्तूरी की गंध आ रही थी। यह स्त्री निषाद की पुत्री थी। शांतनु उस स्त्री से पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है? उस स्त्री ने हंसकर उत्तर दिया, मैं दासराज निषाद की पुत्री हूँ। पिता की आज्ञा से यहाँ पर बैठी हूँ। मैं जल में नाव चलाकर यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचाने का काम करती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक काम है। शांतनु ने उस कन्या को बताया कि मैं कुरु वंश का राजा शांतनु हूँ। हे मृगलोचनी, मेरे घर पर कोई स्त्री नहीं है, क्या तुम मेरी धर्म पत्नी बनना पसंद करोगी? अर्थात मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम इस बात के लिए राजी हो? शांतनु ने आगे बताया कि पहले मेरा विवाह गंगा से हुआ था। गंगा मुझे छोड़कर चली गई है, इसके बाद मैं अकेला हूँ और मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है। उस कन्या ने राजा शांतनु को बताया, मेरा नाम सत्यवती है, आप इस संबंध में मेरे पिता से बात कीजिए, मैं इसके लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ, इसका निर्णय मेरे पिता और मेरी माता ही ले सकती हैं, क्योंकि
जो आर्य कन्या होती है वह शादी से पहले अपने माता पिता के अधीन होकर के ही काम करती है। शादी के बाद वह अपने पति के अनुसार ही काम करती है। उसके पति उसकी देखभाल करते हैं। वृद्धावस्था में उसके पुत्र उसकी देखभाल करते हैं। जो स्त्री होती है वह कभी स्वतंत्र नहीं होती, अतः आप उनसे मिलकर बात करें। शांतनु सत्यवती का हाथ मांगने के लिए दासराज की कुटिया पर पहुंच गए। शांतनु ने दासराज को अपना परिचय देकर कहा, हे दासराज, मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ। मैं आपकी पुत्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, अर्थात उनसे विवाह करना चाहता हूँ। दासराज बोला, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, परंतु महाराज मेरी एक विनती है कि इस कन्या का पुत्र ही राजगद्दी पाने का अधिकारी होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलनी चाहिए। इसी शर्त पर मैं विवाह करने को राजी हूँ। दासराज की बात सुनकर सम्राट शांतनु अत्यंत चिंतित हो गई, क्योंकि वे भीष्म को राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। इस पर वे बिना कुछ उत्तर दिए घर लौट गए। मन पर चिंता के बादल छा रहे थे। मन में उनके अत्यधिक शोक हो गया। अब उनको न तो रात में नींद आती थी और न दिन में चैन पड़ता था। उनकी भूख भी जाती रही। शांतनु के पुत्र देवव्रत भीष्म जी से पिता की यह अवस्था सहन नहीं हुई। वो सोचने लगी, पिताजी को अचानक क्या हो गया, अच्छे भले तो थे। उन्होंने पिताजी की इस अवस्था का कारण जानने के लिए कुछ मंत्रियों से बात की। जब मंत्रियों से पता लगा कि दासराज के घर पर गए थे, देवव्रत ने बड़े विनम्र स्वर में दासराज से कहा। फिर देवव्रत दासराज के पास पहुँचे, कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दो। दासराज बोला, रे राजकुमार, तुम स्वयं मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि यह निश्चय है कि तुम्हारे रहते मेरी पुत्री का पुत्र राजा नहीं बन सकता। देवव्रत ने उत्तर दिया, आप यह क्या कह रहे हैं, आपकी पुत्री को मेरे पिता पसंद करते हैं, अब यह कन्या मेरी माता है, मैं राजा नहीं बनना चाहता, इन्हीं का पुत्र राजा बनेगा। दासराज बोला, मैं समझ गया, क्योंकि तुम सत्यभाषी हो, सत्य बोलने वाले हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक मेरे नाती से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने फिर प्रतिज्ञा की, कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन कुमारा ही रहूंगा। देवव्रत की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, तथा दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को शांतनु के हाथों में सौंप दिया, अर्थात उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार महाराजा शांतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। श्री सूत जी कहते हैं, सत्यवती से इससे पहले व्यास जी का जन्म हो चुका था, परंतु यह बात किसी को पता नहीं थी। सत्यवती के दो पुत्र हुए, परंतु वे दोनों ही स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के यहाँ धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर अंबिका ने लज्जावश नेत्र बंद कर दिए थे। फलस्वरूप अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी पत्नी अम्बालिका ने व्यास जी को देखकर अपने समस्त शरीर में सफेद चंदन लगा दिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ, यानी कि उसको पी लिया था जन्म जाति। अंबिका और अम्बालिका की दासी से विदुर जी का जन्म हुआ।
धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण छोटा पुत्र पांडु राज्य का कार्यभार संभालने लगा। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की दो पत्नियां थी, एक का नाम वैश्या, यानी वो वैश्य की कन्या थी इसलिए उसका नाम वैश्या था, और दूसरी गांधार नरेश की पुत्री गांधारी थी। पांडु की भी दो पत्नियां थी, उनमें से एक सूरसेन की पुत्री कुंती थी और दूसरी मद्रराज की पुत्री माधवी थी। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्रों को जन्म दिया था। वैश्या से भी एक सुंदर पुत्र हुआ था जो बड़ा ही युद्ध कौशल में पारंगत था। कुंती के कन्या अवस्था में अपने पिता के घर पर ही कर्ण को जन्म दिया था। सूर्य भगवान की कृपा प्रसाद से कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। इसके पश्चात कुंती माता पांडु की पत्नी बनी। अब भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ॐ श्री जगदम्बिकायै नमः। ॐ श्री जगदम्बिकायै नमः।